बैटरी बिल्कुल ख़त्म है, स्विच स्टार्ट। और ये देखो इस तरह का आवाज़ ही कर रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसको अभी धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। जोर से दो भाई साहब, स्टार्ट हो गया फाइनली। तुम बोलियो ना मुझे। हे सो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा पल्सर 220 एफ की बैटरी प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके पास पल्सर 150, 180 और 220 है, BS6 वाला बाइक है, तो उसको आपको किस तरह से स्टार्ट करना है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, हमारा जो बाइक है उसका जो है बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गया है कि ख़राब हो गया है, मुझे ठीक से पता नहीं। तो देखते हैं उसको किस तरह से स्टार्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है सभी बाइक के लिए रहेगा जिसमें किक वगैरह नहीं आते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा बाइक पल्सर 220 है, BS6 वाला मॉडल है ये, जिसको हमने 2020 में लिया था। और इसको गाड़ी को जो है करीब करीब 3 साल हो गया है, मुझे लगता है इसका बैटरी ख़राब हो गया है, क्या हुआ है। 3 साल तो एक बैटरी चलता है, मुझे ठीक से भी पता नहीं कि एक बैटरी कितना साल तक चलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने जो है धक्का लगा के स्टार्ट करके लाया हूँ गाड़ी को, देखते हैं ये अभी स्टार्ट होता है कि नहीं। ये तो अभी आराम से स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इसका अगर बैटरी अभी थोड़ा सा डाउन था, मैंने पहले आपको दिखाया, तो अगर बैटरी डाउन है तो आपको इसको किस तरह से स्टार्ट करना है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो है पल्सर की सभी गाड़ी में अप्लाई होगा जिसमें कीक वगैरह जो है नहीं आता। तो चलिए इसको अभी ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं इसको कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा कि अगर आपके पास BS6 वाला कोई भी गाड़ी है, FIE वाला गाड़ी है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका गाड़ी अगर बैटरी वगैरह डाउन है तो आपको देखना है कि बैटरी मीटर वगैरह और FI सिस्टम थोड़ा सा चालू हो पा रहा है। इस तरह का जो है आपके पास वोल्टेज होना चाहिए, वरना आपका जो FI सिस्टम है वो भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए अभी जो है हमारा गाड़ी में जो है लाइट वगैरह आ रहा है, लेकिन इसका जो है वोल्टेज इसका अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारा मीटर वगैरह FI फ्यूल पम्प वगैरह सब चल रहा है। तो इसीलिए अभी हम इसको जो है धक्का लगा के स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है आपका चाबी ऑन करेगा तो ये मीटर वगैरह चालू होना चाहिए और फ्यूल पंप चालू होना चाहिए। दूसरा चीज़ है आपको किल स्विच को ऑन कर लेना है और आपकी गाड़ी में जो टॉप गियर है उसको लगा देना है। इस तरह आओ, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो अभी हमारा गाड़ी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल दिखा दे एक बार। अभी हमारा गाड़ी जो है न्यूट्रल में है, देख सकते हैं। और इसको अभी हम जो है टॉप गियर में डालेंगे। एक इसका जो गियर होता है एक नीचे होता है और बाकी चार जो है ऊपर होता है। तो अभी हम इसको 4 या 5 नंबर गियर में डाल देंगे। 3, ये 4, यानी कि ये अभी टॉप गियर में हो चुका है। तो अभी इसको आपको धक्का लगाना है। वो क्या करना है, एक बार जो है क्लच को प्रेस कर लेना है और उसके बाद इसको धक्का लगाना है। जैसे ही आपको लगे 10, 12 या 15 की स्पीड आ जाए, उसके बाद आपको क्लच छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। इस गाड़ी में जो है कीक नहीं है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि इसका बैटरी डाउन है। अभी मैं थोड़ा 1 किलोमीटर चला के आया तो थोड़ा सा इसमें चार्ज हो गया है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अगर बैटरी डाउन हो जाए तो आप इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलिए अभी मैं इसको धक्का लगाता हूँ। धक्का लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक नहीं। तो अभी मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्टार्ट होते रहने देता हूँ, इसका जो बैटरी है वो थोड़ा सा चार्ज हो जाए, ताकि इसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो स्पीड आपको 10 से 15 तक रहना चाहिए, उसके बाद ये जो है आराम से स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, एक बार जो मैं आपको फिर से करके दिखाने वाला हूँ इसको किस तरह से स्टार्ट कर देना है। पहले तो मैंने आपको एक बार बता दिया है, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ।
पहला जो चीज़ है, बैटरी में थोड़ा सा तो चार्ज रहना चाहिए जिससे कि आपका फ्यूल पंप चल सके, जिससे आपका बाइक स्टार्ट हो सके। आपको देख के स्टार्ट करना है और इस तरीके से स्टार्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ता है। और एक मेथड है जिससे जो है पिछले वाला पहिए को खींच के जो है स्टार्ट किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं जो है आपको ये वाला धक्का लगा के स्टार्ट करने वाला जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो है आपको गाड़ी का जो है न्यूट्रल में होना चाहिए, न्यूट्रल के बाद आपको जो है गाड़ी में जो है टॉप गियर लगाना है। इधर आ जाओ थोड़ा, कौन है काम रखेंगे। तो मैं बता देना चाहूँगा कि पल्सर में जो है, पहले मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, इसमें 5 गियर होते हैं, एक होता है नीचे और 4 होता है ऊपर। तो अभी मैं इसको जो है 1, 2, 3, 4 अभी मैंने नीचे एक भी गियर नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने जो है 4 लगा दिया है, यानी कि 5 नंबर गियर पे अभी बाइक है। तो इसको जो है आपको 10 से 15 की स्पीड पे लेके क्लच को छोड़ देना, उसके बाद ये आराम से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है वीडियो मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ जिसके पास जो है विथआउट किक वाला बाइक है, पल्सर 150 कह लो, ट्विन डिस्क और 220, 180, इसमें जो किक वगैरह नहीं आता है, तो आप इससे जो है धक्का लगा के स्टार्ट कर सकते हैं और पहिया वगैरह घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैं एक बार आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। अब ठीक है, देख सकते हैं बाइक जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसको थोड़ा सा स्टार्ट होके रहने देते हैं। बैटरी इसका बिल्कुल पूरा डाउन होकर रखा था, मैंने जो है मल्टीमीटर से भी चेक करके रखा था, 12 वोल्ट थी या ऐसा कुछ आ रहा था, जबकि बाइक की बैटरी में लिखा हुआ है कि 12.4 से ज़्यादा का अगर इसका वोल्टेज कम है तो इसको चार्ज करने के लिए। देखते हैं अभी इसको लेके जाएंगे शॉप पे, दिखाएंगे अगर बैटरी चेंज करना होगा तो बैटरी चेंज करवाएंगे, वरना इसको थोड़ा सा चार्ज करके भी देखेंगे। इसको अभी थोड़ा सा चार्ज होने के लिए छोड़ देते हैं आइडल पे। तो दोस्तों ये था मेरा जो है पल्सर 220 BS6 वाला बाइक है, इसमें जो है FI सिस्टम आता है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि इसका जो है स्टार्ट करने से पहले आपका बैटरी में थोड़ा बहुत चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी चार्ज नहीं होगा तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपका फ्यूल पंप वगैरह भी जा सकता है, क्योंकि बैटरी में कुछ भी जो है चार्ज नहीं होगा, उसके बाद अगर आप इसको धक्का देके स्टार्ट करोगे तो फ्यूल पंप में जो है झटका लग सकता है, ये ख़राब भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये रिस्की है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो है बहुत चार्ज होना चाहिए। गाड़ी जो है ज़्यादा चलता नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, 3 साल हो गया है सिर्फ जो है 22,000 किलोमीटर ही चला है अभी। ये तो प्रॉब्लम मुझे 3-4 दिन से आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ सुबह इसको जब मैं स्टार्ट कर देता हूँ उसके बाद एक दिन क्या आराम से ये स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जैसे ही सुबह होता है ये फिर से वही चालू कर देता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो मुझे लगता है इसका बैटरी वीक हो गया है शायद, तो इसको लेके हम जाएंगे बैटरी शॉप में, देखेंगे ये बैटरी ख़राब हो गया है क्या है, वरना इसको थोड़ा सा चार्ज करके लगा देंगे। अगर शॉप वाले ने बताया कि बैटरी अच्छा है, चार्ज करने से हो जाएगा, तो चार्ज करके लगा देंगे, वरना नई बैटरी डालेंगे और क्या, मुझे 3 साल तो हो गया है। तो दोस्तों ये था पल्सर 220 BS6 का विथआउट, अगर बैटरी में अगर आपका चार्ज वगैरह नहीं है, सेल्फ वगैरह नहीं ले रहा है, किक तो नहीं है इसमें, तो उसको किस तरह से स्टार्ट करना था वो मैंने आपको बताया। ये जो है पल्सर 150, 180, 220 में ये जो लागू होता है, और आप अगर आपके पास जो किक बिना किक वाला कोई गाड़ी है तो आप इस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए रहते हैं, मिलते हैं आपको ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।